तुम्हारे 3 दिन खत्म हो चुके हैं, अब एक कदम इस घर में नहीं रखोगे। और अब क्योंकि मैं सच जान गया हूं इसने कुछ नहीं किया, तो ना ही हमारा रिश्ता टूटेगा और ना ही ये कहीं और ना ही इस घर से जाएगा। इसका दिमाग खराब हो गया। जिस लड़की ने इसके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट करवाई उसी का सपोर्ट कर रहा है। हमें पहले भी करना चाहिए था, क्योंकि दीप्ति ने कुछ भी गलत नहीं किया। बेटा तू फिर से इसकी बातों में आ रहा है। बातों में तो पहले आ गया तुम, पहले उन सारी झूठी बातों पर यकीन कर लिया था मैंने जो मुझे नहीं करना चाहिए था। और अब क्योंकि मैं सच जान गया हूँ तो मुझे पता है कि दीप्ति गलत है, और मुझे पता है कि आप में से कोई भी भरोसा नहीं करेगा, इसलिए मैं सबूत लेकर आया कि दीप्ति बेकसूर। ये छोकरी यहाँ पे क्या कर रही है? पढ़े ये आप सबको सच बताने हैं, पर प्लीज आप लोग इस पर गुस्सा मत करो, क्योंकि ये सब करने की उसके पास एक वजह है। I said speak up! उस दिन मैंने जो कुछ भी कहा था वो सब झूठ था। तितली ने मुझे कॉल करके गल्फ सर के खिलाफ कुछ भी नहीं कहा, और गल्फ सर के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट मैंने की थी जानबूझ के, अपनी मर्जी से। तितली को उस बारे में कुछ भी नहीं पता था। एक मिनट, हम कैसे माने कि तुम अब सच बोल रही हो? क्योंकि आई नो इट, ये सच बोल रही। तेरा ना दिमाग खराब हो गया सही में। मुझे तो पहले से ही पता था कि ये छोकरी तुझे फिर से बहला फुसला के अपनी तरफ कर देगी, और तुझे दिख नहीं रहा यार अपनी आंखें खोल, ये दोनों बहनें मिलकर ना तुझे बेवकूफ बना रही हैं। नहीं बेटा, चुप, एक शब्द नहीं। अरे मैं क्या, परिवार में से कोई भी तुझ पर भरोसा नहीं करता है तितली। मैं करता हूं पापा जी, मैं करता हूं भरोसा। सबका दिमाग खराब हो गया है। अरे दिखाई नहीं दे रहा ये लड़की इस घर को तोड़ रही है, दिख नहीं रहा किसी को। आप तो जो सोचना आप सोचिए, आपको कौन रोक रहा है? आई ट्रस्ट माय वाइफ, और वो इस घर से कहीं नहीं जाएगी। वो यही रहे इसी घर में रहे और मेरे साथ रहे। देखिए अभी फिलहाल का सीन है कि मैंने तितली को बोला है कि 3 दिन तो तितली को दिए हैं खुद को इनोसेंट प्रूव करने के लिए। तो ये सीन है, फिलहाल गर्व और तितली आए हैं और कहीं ना कहीं कोई सबूत लेकर आए हैं, जिससे हमें पता चलता है कि मतलब कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो इनोसेंट है। जहाँ परिवार के कुछ लोग कन्विंस हो भी जाते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो नहीं हैं, वो अभी भी डिसअप्रूव कर रहे हैं। आगे देखिए, स्पाइसी शो इसी तरह के कुछ ना कुछ मस्ती भरी चीज़ें रहती हैं, कुछ ना कुछ चीज़ें चलती रहेंगी डेली शो। फैंस और व्यूअर्स को मैं यही कहूँगा, जितना प्यार हमारे शो को आप दे रहे हैं, प्लीज़ हम चाहते हैं और मात्रा में दें। टेली रिपोर्टर के सभी व्यूअर्स को मेरा बहुत बहुत सारा प्यार।